यूपी का सहारनपुर जिला भी जानलेवा कोविड-19 की चपेट में आ चुका है। संक्रमित लोगों की संख्या 114 तक पहुंच चुकी है। आलम यह है कि दिन पर दिन आंकड़े थमने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। हालात कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि 3 मई तक सरकार को लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा। फिर भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं, बेवजह घर से बाहर निकल सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालांकि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए यूपी पुलिस भी कुछ कम नहीं है। बिना लाठी चलाए ऐसे लोगों की कंबल परेड करवा रही है, मुर्गे की चाल चलने पर मजबूर कर रही है। एक ऐसा ही मामला सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र से सामने आया है, जहां लॉकडाउन तोड़ने वाले 22 युवकों को यूपी पुलिस ने सजा के तौर पर मुर्गा ही बना दिया। मुर्गा बनने तक तो ठीक था, लेकिन जब मुर्गे की चाल में चलना भी पड़ा तब इन 22 युवकों को अपनी नानी याद आ गई। आप भी देखिए उल्लंघन तोड़ने पर किस तरह इन 22 युवकों को मुर्गा, मेढक, भालू और बतख बन जानवरों की तरह चलना पड़ रहा है। पुलिस ने साफ कर दिया है, नियम तोड़ने वालों को और घर से बेवजह निकलने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें इसी तरह जानवरों की तरह चलने की सजा दी जाएगी। सहारनपुर से गौरव सैनी की रिपोर्ट। चलो शाबाश जनसा।